राधे, स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में, और साथ में स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे देवर जी की बारात में। तो हम लोग देखिए गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और हमारी काजल भाभी भी जो है आ चुकी हैं। तो हम सारे रेडी होके जो है अब जा रहे हैं अंदर, जहाँ पे प्रोग्राम सारे हो रहे हैं गेस्ट हाउस के अंदर। तो हम लोग जैसे घर से रेडी होके आए थे ना, ड्रेस हमारी वही है, ड्रेस हमने चेंज नहीं किया है। हाँ, थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, थोड़ा सा लुक अपना चेंज कर दिया है। तो ये आ गए हैं शिवानी के भाई साहब शुभम। तो बस यहाँ पे शिवानी आगे आगे जा रही है और हम शिवानी के पीछे पीछे हम सारे लोग अंदर जा रहे हैं, और सामने खुशी और काव्या। तो बस गेस्ट हाउस के अंदर आ गए थे, और अंदर आने के बाद सुमित ने और निशु ने बोला कि तुम लोग पहले नाश्ता कर लो, कुछ खा पी लो, क्योंकि इसके बाद अभी जो है ना होने वाली है अगवानी, यानी जो है बारात जो है हम लोग बारात फिर से गेस्ट हाउस के बाहर जाएंगे और बारात लेकर आएंगे, नाश्ते गाते फिर हम लोग बारात लेकर आएंगे। क्या है ना, पहले जैसे कि पहले की जो शादियां होती थी गाँव में और शहर में, तो क्या होता था घर से शादियां हुआ करती थी, गेस्ट हाउस से होती नहीं थी। तो घर से थोड़ी दूर पे जो है बारात को रुकाया जाता था और फिर बाराती वहां से बारात लेके नाश्ते गाते आते थे। तो अभी क्या है, गेस्ट हाउस में शादियां होने लगी हैं, दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष दोनों ही गेस्ट हाउस में ही होते हैं। तो ये रस्म हमें जो है गेस्ट हाउस के बाहर जाके फिर से वापस आना पड़ता है, फिर से ये रस्म करते हुए आना पड़ता है। तो बस अभी हम लोग गेस्ट हाउस के बाहर जाएंगे, सारे जितने हम बाराती हैं लड़के वाले सारे गेस्ट हाउस के बाहर जाएंगे, और दूल्हा घोड़ी पे हो या कार में हो, जो भी है। तो फिलहाल कार में, फिलहाल हमारे पास तो जो हमारा दूल्हा कार से आया है, तो दूल्हे राजा कार में बैठेंगे और सारे बाराती बढ़िया बैंड बाजा के साथ नाचते गाते फिर से बारात लेकर आएंगे। और उसके बाद फिर होगा द्वार चार। तो हमारे यहाँ द्वार जब बारात आती है तो फिर दरवाजे पे द्वार चार की रस्म होती है, जिसमें लड़के पक्ष के सारे लोग और लड़की पक्ष के सारे लोग बैठते हैं। तो बस यहाँ पे अभी नाश्ता पानी चल रहा है, हमारे चाचा और चाची भी कानपुर से शादी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, और ये रही हमारी काजल भाभी, रेड साड़ी और ग्रीन ब्लाउज, बहुत ऑसम और बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और ये मेरा भतीजा सार्थक। तो ये लोग भी उन्नाव से जो है शशांक की शादी में सभी लोग जो है शामिल होने के लिए, एंजॉय करने के लिए सब लोग शशांक की शादी में शामिल हुए हैं। तो ये रहे सार्थक। तो बस यहाँ पे ये रही मैं। तो कुछ इस तरह का था मेरा शादी का गेटअप। तो मैं कैसी लग रही हूँ अपने देवर जी की बारात में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल कुछ खास नहीं लग रही हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग का नाश्ता पानी हो चुका है, और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम लोग गेस्ट हाउस के बाहर आ गए हैं। अब होने जा रही है अगवानी, यानी अब दूल्हे राजा कार में बैठ गए हैं, और अब सारे बाराती जो है नाश्ते गाते बारात लेकर जो है फिर से पहुंचेंगे गेस्ट हाउस के अंदर, और फिर होगा द्वार चार। तो जहाँ पे गेस्ट हाउस था ना, वहाँ की जो रोड है थोड़ी सी कंजेस्टेड थी, मतलब बहुत चौड़ी रोड नहीं थी, सकरी थी, कंजेस्टेड थी। तो थोड़ा सा जैसे कि अब डीजे था और पूरा जो गाड़ियां होती हैं डीजे वाली वो सारी थी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम जितनी लेडीज और लड़कियां हैं ना, सारी हम एक जगह ही पे थे, और एक जगह पे के पास खड़े होके जो अपना एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और गेस्ट हाउस से ज्यादा दूर तक हम लोग जो है बारात लेकर नहीं गए थे, बस थोड़ा सामने तक, क्योंकि जो वो एरिया था ना बहुत ही कंजेस्टेड था। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप, गेस्ट हाउस के सामने ये जगह है, और यहीं पे डांस हो रहा है, और यहीं पे हमने ये वाली रस्म कर ली। तो सामने निशु और सुमित और चाचा जी, घर के सभी लड़के जो है डांस कर रहे हैं, और गाना यहाँ पे चल रहा था, आए हम बाराती बारात लेके। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो सॉन्ग है ना वो नहीं सुना सकती आपको, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पे। तो कौन सा सॉन्ग कहाँ पे चल रहा है मैं वो बताती जा रही हूँ। ये यहाँ पे देखिए चौहान साहब है, और ये मेरी काजल भाभी, और यहाँ पे नागिन डांस हो रहा है, एक सफेरा है तो एक नागिन है। तो बस यहाँ पे नागिन डांस हो रहा है, और हम लोगों ने अगवानी में बहुत एंजॉय किया, बहुत धूम मचाई और बहुत नाचा, और यहाँ पे सब लोगों ने खूब मस्ती की और खूब एंजॉय किया, और नाचते गाते हम बाराती पहुंच गए दुल्हनिया के द्वार पे बारात लेके। तो बस यहाँ पे बारात में हम लोगों ने सच्ची में बहुत मस्ती की, बहुत मजे किए हम लोगों ने। बस ये अगवानी हो गई, और अगवानी के बाद अब शुरू होगी द्वार चार वाली रस्म। और सच्ची बताऊँ ना, मुझे जो अपने हिंदू कल्चर की शादी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि क्या है ना, इसमें बहुत सारी रस्में होती हैं, और शादी के प्रोग्राम 3-4 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं, और पूरी रात शादी होती है, बहुत सारा नेग होता है सबका अलग अलग। तो इस अपने हिंदू कल्चर की शादी में मुझे बहुत मजा आती है। तो फिलहाल जो है द्वार चार की रस्म हो गई है, और हमारे यहाँ जब दूल्हा द्वार चार पे आता है अगवानी से, तो दुल्हन के भाई जो है उसे गोदी लेके द्वार चार में बिठाते हैं, और द्वार चार
तैयार जब हो जाता है तो स्टेज तक भी दुल्हन के भाई ही लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के जो भाई हैं यानी दूल्हे राजा के साले साहब दोनों अपने जीजा जी का हाथ पकड़ कर उन्हें स्टेज पर ले जा रहे हैं। कई जीजा जी जो है स्टेज का रास्ता ना भूल जाए। तो फिलहाल यहाँ पे दोनों साले साहब अपने जीजा जी को हाथ पकड़ कर स्टेज तक लेकर जा रहे हैं। और अब यहाँ पे होगी जयमाला की रस्म। तो बस यहाँ पे सारी रस्में प्रॉपर बहुत अच्छे से हो रही थी और नाचते गाते देखिए सभी लोग मिल के जो है दूल्हे राजा को ले गए स्टेज पे। तो बस आगे आगे दूल्हे की बहनें जो है नाच रही थी, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, और पीछे पीछे सारे घर की लड़कियां थी यानी दूल्हे की बहनें थी सारी। तो बस दूल्हे राजा को स्टेज पे पहुंचा दिया है, दूल्हे राजा स्टेज पे बैठेंगे और बस सारा एंजॉयमेंट हो रहा था। और एक साइड स्टेज के नीचे यहाँ पे ये एंजॉयमेंट मस्ती डांस चल रहा था, ये है कुक्कू और किट्टू। तो यहाँ पे कुक्कू है अपने फूफा जी की गोद में और किट्टू है अपने डैडू की गोद में। तो बस यहाँ पे हम लोगों का भी डांस चल रहा था, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, सॉन्ग बज रहा था। और यहाँ पे बस हम लोगों को कोई डांस कहने के लिए बस एक बार कह दे, हम लोग तो डांस करने के लिए तैयार बैठे रहते। तो बस हम लोगों का भी बस यहाँ पे छोटा सा डांस चल रहा था। और शादी में डांस तो इतना होता है कि मतलब डांस में हम लोग खाना भूल जाते हैं, खाने का नहीं रहता है, मतलब डांस लेकिन नहीं रुकता है। और हमारे घर में फिलहाल सभी बहुत डांस करने के सब बड़े शौकीन हैं, मतलब फुल मस्ती करते हैं और प्रोग्राम को सारे फुल एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप किट्टू और कुक्कू कितने खुश हैं दोनों, और दोनों ने खूब एंजॉय किया पूरी शादी में, दोनों ने खूब मस्ती की। तो बस यहाँ पे ये हो गया मेरा डांस, उम्मीद करे चलो बस बहुत हो गया। और ये स्टेज काफी ऊंचाई पे बना हुआ था तो स्टेज के ऊपर खड़े होकर मैंने ये सामने से छोटा सा एक वीडियो क्लिप लिया कि सामने से जो ये गेस्ट हाउस है जहाँ पे सारा प्रोग्राम था कुछ इस तरह का था। और एक साइड डीजे पे सुमित कुकू और किट्टू को लेकर डांस कर रहे हैं और दूसरे साइड यहाँ पे दूल्हे राजा जो है दुल्हनिया का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ ही पलों में दूल्हे राजा का इंतजार खत्म होने वाला है और दुल्हनिया की ग्रैंड एंट्री होने वाली है। तो बस स्टेज पे देख सकते हो आप यहाँ पे भी हमारा डांस चालू है, मतलब सारी चीजें रुक सकती है लेकिन हम लोगों का डांस रुक नहीं सकता। तो यहाँ पे एक रील शूट हो रही जो कि हमने हल्दी मेहंदी और संगीत में सारी रील के छोटे छोटे क्लिप लिए थे और ये लास्ट उसका क्लिप था जो हम लोगों की बारात में रहे थे। तो बस यहाँ पे अभी दूल्हे राजा के पास उसकी सभी भाभियां मिल के जो है ना एक-एक फोटो क्लिक करवा रही हैं और शादी में तो जितनी फोटो क्लिक करवाई जाए उतना ही कम होता है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं कि इंतजार हुआ खत्म और ये हो रही है दुल्हनिया की ग्रैंड एंट्री। तो दुल्हनिया यहाँ पे अपने भाइयों के साथ जो है ग्रैंड एंट्री कर रही है और स्टेज पे जा रही है जयमाला के लिए। तो फिलहाल चलिए दोस्तों हम लोग भी अब हमारी ये जो जयमाला की रस्म है इसको पूरा फुली एंजॉय करते हैं। Ah.
फिलहाल यहाँ पे जयमाल देखिए पड़ चुका है और अब बारी बारी करके दुल्हन के पक्ष के और दूल्हे के पक्ष के लोग आके जो है फोटो क्लिक करवा रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये हमारी जो है ना बिल्कुल मस्ती वाली धूम धड़ाके मचाने वाली मंडली जो है आ चुकी है स्टेज पे। सारे हम सेम एज जनर सेम एज के सारे हैं और सारे हम फ्रेंड भी हैं और एक दूसरे के कोई भाभी है कोई भैया है, तो सारे रिलेशन से पहले हम एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो बस सारे मिल गए, हम एक साथ यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे थे कि हमारे ग्रुप की एक फोटो दूल्हा दुल्हन के साथ होनी ही चाहिए। और फोटो क्लिक होने के बाद अब यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं हम लोग डीजे पे। तो भैया आज तो डीजे टूट जाएगा, इतने सारे लोग जब डीजे पे चढ़ जाएंगे और धमाकेदार डांस होगा तो डीजे तो यहाँ पे टूटेगा ही टूटेगा। तो बस यहाँ पे डीजे पे धमाकेदार डांस हो रहा था और क्या गजब गजब के गाने डीजे वाले बजा रहे थे कि मजा आ रही थी। और पता है यहाँ पे किसी ने जयमाल पड़ने के बाद खाना स्टार्ट हो चुका था और किसी का खाना वगैरह खाने पे ध्यान ही नहीं था, बस सब नाचने में लगे हुए थे और सब अपनी अपनी मस्ती में बिल्कुल मस्त थे। तो यहाँ पे देखिए सबकी कमरिया कैसे मटक रही है, कमरिया लचके रहे और बाबूजी जरा बचके रहे। तो फिलहाल यहाँ पे अंकित भी खूब मटक मटक के खूब नाचने में लगे थे और सामने खड़े हैं ये निशु के चाचा अमित चाचा जी और सामने है हमारी चाची जी यानी मेरी चाची सासू माँ। तो बस यहाँ पे बेहतरीन वाला डांस हो रहा था और सब अपनी मस्ती में मस्त थे बस। हाँ भाई, लेकिन फिर भी इस बारात में काफी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया मेरा वीडियो जो है क्लिक करने में। तो बस यहाँ पे जो है मेरे बाबू चाचा भी बारात में आए हुए थे, बाबू चाचा जो है यहाँ का वीडियो क्लिक कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे बढ़िया डांस मस्ती और बेहतरीन बेहतरीन से शादी ब्याह वाले गाने और लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला वाला जो गाना था उसी पे सभी लोग अपना अपना घूंघट डाल के बस यहाँ पे डांस में बिल्कुल लीन थे। और एक साइड स्टेज पे जो है दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट हो रहा था और आशीर्वाद वगैरह वाली जो फोटो होती है वो सारी चल रही थी और दूसरे साइड हम लोगों को तो बिल्कुल भूख प्यास लगी ही नहीं थी डांस के आगे। और यहाँ पे अमित चाचा है, अंकुश है यानी अंकुश मेरा कजन, और तो अमित चाचा जो है अंकुश को जबरदस्ती स्टेज पे उठा ले गए और नागिन नागिन डांस करने में लगे। और यहाँ पे मेरा भतीजा है सार्थक, तो सार्थक को देखो क्या बेहतरीन, सार्थक को तो जो है ना स्टेज पे एक बार चढ़ा दिया अगर डीजे पे तो डांस में कोई मुकाबला नहीं, बिल्कुल थकता नहीं है और बिल्कुल मस्त होके डांस करता है। तो बस यहाँ पे डांस वांस हुआ खत्म, खाना वगैरह खाया और उसके बाद अब देखिए रात का बज चुका था 1:30 और यहाँ पे अब अंकुश काजल निकल रहे हैं घर के लिए। पहले तो सुमित रोक रहे थे कि अंकुश काजल को भी रुको दिन में जाना, लेकिन सुबह काजल को बैंक जाना है और अंकुश को भी मॉर्निंग में शोरूम ओपन करना है, तो अंकुश और काजल नहीं रुक सकते थे। तो बस यहाँ पे रात के 1:30 बजे अंकुश और काजल निकल गए घर के लिए उन्नाव और हमने भी बोला कि आराम से जाना और पहुंच के हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। और यहाँ पे अंकुश काजल निकल गए हैं बाय बाय और अंकुश और काजल शादी में आए, हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ बहुत एंजॉय किया। और अब फिर वापस हम आ चुके हैं गेस्ट हाउस के अंदर और अब यहाँ पे देखिए स्टेज पे से जो स्टेज वाले प्रोग्राम फोटो क्लिक वाला हुआ खत्म और अब यहाँ पे डीजे पे आ गए हैं दूल्हा और दुल्हन। तो स्टेज पे यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन का भी डांस चल रहा है, भाई तुम ही हो मेरी आरजू। तो यहाँ पे शशांक और हाँ ममता, अभी नाम याद नहीं हुआ है मुझे अपनी देवरानी जी का, लेकिन धीरे धीरे इनका नाम मुझे याद हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। तो बस यहाँ पे इन दोनों का भी डांस हो रहा था, तो यहाँ पे इन दोनों को किया जा रहा भाई डांस को, लेकिन ममता बहुत शर्मा रही थी और सिंपल सी बात है दुल्हन अपनी शादी में तो शर्माती, इतने सारे जब हमको लगता है कि इतने सारे लोग हैं और सबकी नजरें हमारे पे टिकी हैं तो बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं करते, ढीले हो जाते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। तो बस यहाँ पे देखिए शशांक और ममता का बेहतरीन वाला डांस, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं दोनों। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस नए जोड़े को दूल्हा दुल्हन को अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा क्योंकि आज से इनकी एक नए सफर की शुरुआत होने जा रही है। तो बस दोस्तों ये जो है हमारा था पूरा शादी व्लॉग क्या ये था हमारा बस अभी रात का जयमाल तक का व्लॉग और इसके बाद अभी दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाया जाएगा और हम लोग भी खाना खाएंगे और उसके बाद फिर दूल्हा रेडी होगा, फिर से मंडप दूल्हा दुल्हन फिर से रेडी होंगे मंडप में आने के लिए और फिर जो है मंडप वाली रस्में शुरू होंगी और हम लोगों को पूरी रात मंडप में बैठ के पूरी शादी देखनी है एंजॉय करनी है। तो दोस्तों चलिए आज का व्लॉग यहीं पे, ये वाला व्लॉग जो है यहीं पे स्टॉप कर, जयमाला व्लॉग यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप
आपसे मिलती हूँ फिर मंडप की जो रस्में होती हैं, तो मंडप व्लॉग लेकर चलिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे हरदोई की शादी कैसे लगी। तो फिलहाल चलिए अभी हम लोग भी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मस्ती में बिल्कुल मस्त हैं और प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाना है, खाना वगैरह खाना है, दूल्हा दुल्हन भी खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग भी थोड़ा सा चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे मंडप में नई रस्मों के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ मंडप में आप लोगों से, बाय बाय।